हेलो व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक के पकोड़े। तो पालक के पकोड़े के लिए देखिए, मैंने यहाँ पे 250 ग्राम के करीब पालक ले लिया है। इसको अच्छे से साफ करके वॉश करके कट कर लिया है मैंने, और ये देख सकते हैं 250 ग्राम है ये। और इसके साथ साथ जो है हमें लेना है, देखिए मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली ली है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है, और यहाँ पे देखिए मैंने आधा नींबू लिया है यहाँ पे, और ये जो है एक बड़ा साइज का प्याज लिया है मैंने। इसको मैंने बारीक चॉप्ड कर लिया है। तो यही है सामग्री, बेसन, नींबू, प्याज और हरी मिर्च। ये चीज़ों से हम जो है पालक के पकौड़े बनाएंगे। और साथ ही साथ मसाले में सिंपल है, नमक स्वाद के अनुसार, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे अजवाइन लिया है। अजवाइन डालने से जो है टेस्ट इसका काफ़ी अच्छा हो जाता है पालक के पकौड़े में। और साथ ही साथ नींबू ज़रूर इसमें ऐड करिएगा, नींबू डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कैसे बनाना है हमें। तो देखिए इसमें मैंने पालक रख लिया है, और इसमें मैं अब बेसन डालूंगी। पहले थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालते हैं, हम मिला लेते हैं, उसके बाद जो है देखेंगे हम जितनी ज़रूरत होगी उतनी लेंगे। वैसे ही पूरा बेसन लग जाएगा, पहले मैं इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा मिला लेती हूँ। देखिए ये बेसन जो है यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ। देखिए 1 करीबन की कटोरी यहाँ मैंने बेसन लिया है, इसको मिक्स कर देती हूँ अच्छे से। आप पहले पानी मत डालिएगा क्योंकि पालक में बहुत पानी होता है, तो पहले इसको अच्छे से मिला लीजिए आप। और जब आपको ज़रूरत पड़े तो 3 से 4 चम्मच इसमें आपको पानी का यूज़ होगा तो आप डालिएगा। तो देखिए यहाँ मैंने बेसन और जो है पालक है उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। और साथ ही साथ देखिए मैं यहाँ पे हरी मिर्ची को ऐड कर रही हूँ, ऐड कर दिया मैंने। और साथ ही साथ देखिए मैं यहाँ पे प्याज भी ऐड कर रही हूँ, तो प्याज भी मैंने ऐड कर दिया है। और ये देख रहे हैं आप, नींबू लिया है मैंने, नींबू लिया है, वो नींबू मैंने यहाँ डाल दिया। मैंने अजवाइन लिया है, इसको आप थोड़ा हाथों से क्रश कर लीजिए, मैंने करके यहाँ पे रखा हुआ है। नमक, हल्दी, मिर्च, तो ये आप देख सकते हैं मैं इसमें डाल रही हूँ। देखिए इसमें मैंने बिल्कुल भी जो है पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, आप देख सकते हैं कैसा है ये। अगर आप चाहें तो 1 से 1.5 चम्मच में पानी आप ऐड कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं बस इतना ही पानी मैंने ऐड किया है, आधा चम्मच के करीब। और देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और देखिए हमारा जो है अच्छे से मिक्स हो गया है, और ये देखिए तेल जो है अच्छे से गर्म हो चुका है ये। तो जब अच्छा से तेल आपको गर्म हो जाए तभी इसमें आप पकौड़े डालिए। तो देखिए ये है अच्छे से मिक्स हो गया है, देख सकते हैं आप। इसमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ है, आधा चम्मच के करीब पानी इसमें मैंने डाला है। अब देखिए हम पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए तेल जो है अच्छे से गर्म हो गया हमारा, और मैं एक एक करके पकौड़े इसमें डाल देती हूँ। तो आप पकौड़े छोटे बड़े गोल मटोल जैसे भी आपको डालने आप डाल लीजिए, क्योंकि टेस्ट तो एक ही जैसा आएगा, डिज़ाइन अलग अलग होगा तो कोई बात नहीं। तो ऐसे एक एक करके आप पकौड़े डाल लीजिए, और तेल अच्छे से गर्म करिएगा आप लोग, तभी जो है पकौड़े अच्छे बनेंगे। अगर तेल अच्छे से गर्म नहीं होगा तो पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे। अच्छे से गर्म होगा तो 2 मिनट में ही आपका 2 से 3 मिनट में हो जाएगा, और दोनों साइड से 2 से 3 मिनट लगेगा। टोटल 5 से 6 मिनट में जो है आपके पकौड़े जो है वो तैयार हो जाएंगे, देख सकते हैं आप। मैंने इसको पलट लिया है, एक साइड से हो चुका है और एक साइड से और हम कर लेंगे। देख सकते हैं पकौड़े जो है तैयार है, अभी बस बनने वाले पकौड़े जो है हमारे रेडी हैं। मैंने इसको अलट पलट के अच्छे से पका लिया है दोनों साइड से। टोटल 5 मिनट लगेंगे आपको दोनों साइड से पकाने में। देख सकते हैं कितने ज़्यादा जो है टेस्टी लग रहे हैं पालक के पकौड़े। हेल्दी तो है ही पालक, और टेस्टी भी लगता है, तो ये ज़रूर ट्राई करिएगा पालक के पकौड़े इस तरीके से बना के। देखिए इसको मैंने सारे जो है निकाल लेती हूँ मैं, और इसी तरह से मैं और दोबारा जो है थोड़ा सा बच गया तो मैं इसको डाल दूँगी। तो आप देख सकते हैं ये पालक के पकौड़े कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ये। अभी थोड़ा ठंडा हो जाता है तो मैं आपको इसको थोड़ा तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे क्रिस्पी, जैसे भी आप बनाना चाहते हैं वैसे आप बना सकते हैं।